हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सागर विश्वविद्यालय के बारे में। हम देखने वाले हैं वंपर वैकेंसी के बारे में। आपको बहुत ही गुड न्यूज़ देने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ पे सागर विश्वविद्यालय से न्यूज़ निकल के आई है, वंपर वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। 140 वैकेंसी के साथ यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। अगर आप भी जॉब वैकेंसी की राय देख रहे थे और सागर विश्वविद्यालय में जॉब करना चाहते हैं नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में, नॉन टीचिंग पोस्ट हैं ये, अगर आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन और यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंट के तौर पे, हम देखने वाले हैं कौन कौन सी यहाँ पे वैकेंसी निकली है, सभी जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट कब होगी फॉर्म भरने का, क्या फीस होगा, किस कैटेगरी के लिए कितनी जॉब्स निकली हैं, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सभी जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो हम ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे देख रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर MP इंडिया। तो आ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो आपको यहाँ पे सेंट्रल लेवल की जॉब आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म आर इनवाइटेड ऑनलाइन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग नॉन टीचिंग एंड अदर एकेडमिक पोजीशन टू बी फिल्ड अप ऑन डायरेक्ट डिप्यूशन बेसिस। तो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जाएंगे, नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट, नॉन टीचिंग वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं और यहाँ पे टीचिंग की भी जॉब्स निकाली जा रही हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे 4/2/2023, यानी कि 4 फरवरी को ये नोटिस आया है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑनलाइन लिंक विल बी अवेलेबल लाइव फ्रॉम 4/2/2023। तो यहाँ पे फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं विल बी अवेलेबल लाइव फ्रॉम 4/2/2023। लास्ट डेट की बात करें, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 6/3/2023 या आपके मार्च 6 मार्च तक यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये हमने बात की कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, और बात करें एलिजिबिलिटी डिटेल ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन देखेंगे हम, और यहाँ पे एक्सपीरियंस सभी जॉब्स में यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है और क्लास ट्वेल्थ अगर आपकी कंप्लीट है, जो बच्चे क्लास ट्वेल्थ में हैं, कंप्लीट होने वाली है, कंप्लीट है, तो उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो सभी के लिए यहाँ पे अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पोस्ट, यहाँ पे एक कोड दिया है पोस्ट कोड, यहाँ पे फिर पोस्ट आप देख पाएंगे, पे स्केल, तो यहाँ पे सैलरी भी देख पाएंगे, लेवल देख पाएंगे, लेवल यानी कि 14 लेवल पर इतनी सैलरी मिलेगी। कंट्रोलर एंड एग्जामिनेशन की यहाँ पे जो जॉब निकाली गई है, जनरल के लिए एक सीट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सैलरी देख पाएंगे, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की जॉब है, सेंट्रल जॉब है, तो यहाँ पे अच्छी सैलरी, मोटी सैलरी आपको दी जाती है। एज लिमिट की बात करें तो 57 इयर्स तक यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन में मांगी गई एटलीस्ट 15 ईयर्स एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है 11th लेवल के लिए, लेवल 11 और 12 लेवल के लिए 8 ईयर्स ऑफ सर्विस इन द एकेडमिक लेवल 12। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो हमने अभी देखा कंट्रोलर एग्जामिनेशन का पोस्ट, नेक्स्ट है पोस्ट कोड, देख सकते हैं आप लाइब्रेरियन का, यहाँ पे जनरल के लिए एक सीट यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। तो पे स्केल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एज लिमिट की बात करें तो 57 ईयर, क्वालिफिकेशन में आपको मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, तो जो एमलिप्स किए हुए हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक सीट है जनरल के लिए, तो एज लिमिट 56 ईयर और यहाँ पे सैलरी भी देख पा रहे होंगे 67,700 से स्टार्टिंग है आपकी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री में आपका काम हो जाएगा अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो।
सिविल इंजीनियरिंग से, सिविल से किया हुआ, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है। नेक्स्ट देखें तो पोस्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, तो यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 40 साल, और क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास एमई मैकेनिकल इंजीनियर एमटेक कंपलसरी साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास बीई बीटेक वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो यहाँ पे जनरल के लिए 4 निकाली गई हैं, 4 वैकेंसी यहाँ पे, एक पे डायरेक्ट प्लस यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3 डिप्यूटेशन। तो यहाँ पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे आप पे स्केल देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 40 साल, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स ऑफ द इक्विवेलेंट ग्रेड, यहाँ पे मास्टर डिग्री का रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट जॉब देखें तो हिंदी ऑफिसर, यहाँ पे आप देख पा रहेंगे पोस्ट में हिंदी ऑफिसर की जॉब निकली है एक जनरल के लिए, और यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 56 इयर्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख पाएंगे मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, तो यहाँ पे हिंदी में मास्टर डिग्री चाहिए, मास्टर हिंदी विथ इंग्लिश। तो ये हमने देखी हिंदी ऑफिसर की। अब नेक्स्ट देखें तो पोस्ट है सिस्टम एनालिस्ट, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एज लिमिट की बात करें तो 40 साल, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीई बीटेक यहाँ पे कंपलसरी है इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, तो यहाँ बीटेक यहाँ होना आपका कंपलसरी है कंप्यूटर साइंस से या इलेक्ट्रॉनिक्स से। नेक्स्ट जो है टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर में आप देख पा रहेंगे जनरल के लिए 2 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है, पे स्केल आप देख सकते हैं, एज लिमिट की बात करें 40 साल, क्वालिफिकेशन यहाँ पे मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स, 55% मार्क्स इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, तो मास्टर डिग्री की यहाँ रिक्वायरमेंट होगी। और नेक्स्ट जो है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, तो यहाँ पे एक सीट एक वैकेंसी पर ये निकाली गई है, तो यहाँ पे लेवल आप देख सकते हैं, और 40 ईयर यहाँ का एज लिमिट है 40 ईयर्स, क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। नेक्स्ट जो है पोस्ट सेक्शन ऑफिसर, तो यहाँ पे सभी कैटेगरी के लिए आप देख पा रहे हैं जनरल के लिए 5 सीट हैं, ओबीसी के लिए 2 सीट हैं, एससी के लिए 1 सीट है, तो यहाँ पे एज लिमिट की बात करें 35 ईयर्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री का रिक्वायरमेंट्स है सेक्शन ऑफिसर के लिए। और बात करें नेक्स्ट सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर तो यहाँ पे एज लिमिट 40 ईयर्स, यहाँ पे स्केल देख पा रहेंगे सैलरी, क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस एज अ सिक्योरिटी सुपरवाइजर, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट होगा और एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है आपसे 5 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट कोर्स नेक्स्ट वैकेंसी देखें हम पोस्ट देखें तो प्राइवेट सेक्रेटरी, तो यहाँ पे एज लिमिट 35 ईयर्स, और क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट देखें हम तो पर्सनल असिस्टेंट की 3 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई हैं, और बात करें एज लिमिट की 35 ईयर्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, तो यहाँ पे आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर, तो यहाँ पे जनरल के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, 2 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, पे स्केल आप देख सकते हैं, एज लिमिट की बात करें 35 ईयर्स, क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए या बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें प्रोफेशनल असिस्टेंट, तो यहाँ पे एक वैकेंसी निकाली गई है एक सीट पे, तो यहाँ पे 35 इयर्स एज लिमिट होगा, क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी।
नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पोस्ट निकाली गई हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं। आप देख पा रहे हैं हर पोस्ट में जनरल के लिए आप देख पा रहे होंगे, तो जनरल वालों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है जो भी जनरल से बिलोंग करते हैं। बात करें एज लिमिट की, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट पोस्ट की एज लिमिट की बात करें तो 32 इयर्स, यहाँ पे मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट कोर्स, नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट, यहाँ पे 3 सीट पे वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे स्केल आप देख सकते हैं, एज लिमिट 32 ईयर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ वर्किंग, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री का रिक्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट है सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, तो यहाँ पे एज लिमिट 35 ईयर्स, क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज, तो बैचलर डिग्री का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट जो आपका पोस्ट है वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट, तो लेबोरेटरी असिस्टेंट में बात करें तो सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाली है, जनरल के लिए 8, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1। तो यहाँ पे एज लिमिट 32 इयर्स है, लेवल पे स्केल आप देख सकते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 2 इयर्स ऑफ वर्किंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री और 2 ईयर का एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट के तौर पर एक पोस्ट निकाली गई है जो कि है एज लिमिट है 32 ईयर्स, क्वालिफिकेशन की बात करें बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, टाइपिंग स्पीड होना चाहिए यहाँ पे 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे DCA होना चाहिए, कंप्यूटर में कोई सर्टिफिकेट भी आपका चल जाएगा। नेक्स्ट कोर्स की बात, पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क, तो यहाँ पे 47 वैकेंसी निकाली गई हैं जो कि एज लिमिट की बात करें 32 इयर्स, और यहाँ पे स्केल आप देख सकते हैं 19,900 से 63,200 के बीच में आपकी सैलरी होगी, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे बैचलर डिग्री का रिक्वायरमेंट होगा, इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे कुक के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, तो यहाँ पे एज लिमिट 32 इयर्स, क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 10th क्लास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इन बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी, 1 ईयर ड्यूरेशन, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कुकिंग, 3 साल का कुकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 10th अगर पास हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कुक के लिए। सैलरी अच्छी यहाँ पे मिल रही है, 19,900 से स्टार्टिंग है, 63,200 तक आपकी सैलरी जा सकती है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है लाइब्रेरी अटेंडेंट, तो यहाँ पे 5 पोस्ट निकाली गई हैं, जनरल के लिए 2, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1, तो यहाँ पे स्केल देख सकते हैं, एज लिमिट 32 ईयर्स, क्वालिफिकेशन की बात करें 10+2 और इट्स इक्वलेंट, अगर आप यहाँ पे 12th पास हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है लेबोरेटरी अटेंडेंट, तो यहाँ पे 35 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट यहीं पे आपको देखने को मिल रही है लेबोरेटरी अटेंडेंट, तो यहाँ पे जनरल के लिए 15 पोस्ट निकाली गई, EWS 3, OBC 11, SC 3, ST 3, तो यहाँ पे एज लिमिट की बात करें 32 ईयर्स और पे स्केल की बात करें तो 18,000 से 56,900, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास होना चाहिए विथ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज सेंट्रल और स्टेट बोर्ड, तो यहाँ पे 12th साइंस से होना चाहिए। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट बाय, तो यहाँ पे हमने देखा जो लेबोरेटरी अटेंडेंट था अभी, अब हम बात कर लेते हैं कितनी फीस लगेगी अप्लाई करने की, तो यहाँ पे द डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन फीस इज मेंशनड बिलो, तो यहाँ पे बताई गई है फीस कितनी देनी होगी आपकी। तो कैटेगरी की बात करें जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे फीस निर्धारित है, फॉर्म भरने की फीस आपको 1,000 रुपये है, और एससी एसटी एक्स सर्विसमैन वुमेन की बात करें तो यहाँ पे 500 रुपये यहाँ पे फॉर्म फिल करने की फीस है, पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे फीस नहीं लगेगी। तो ये हमने देखा कब से फॉर्म भरे जाएंगे,
लास्ट डेट, बिगनिंग डेट, क्वालिफिकेशन, पोस्ट, सैलरी, और यहाँ पे हमने देख लिया फीस, एप्लीकेशन फीस भी देख ली, ये सभी जानकारी देखी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी सभी जानकारी मिलती रहे, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जॉब वैकेंसी से रिलेटेड सभी जानकारी यहाँ पे टाइम टाइम पे दी जाती है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।